चैप्टर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट है और इसके अंदर चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है ये इस चैप्टर में पहले हम करेंगे कि जेनेटिक्स क्या है व्हाट इज जेनेटिक्स ट इज़ जेनेटिक्स जेनेटिक्स है जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन ध्यान से देखिए वट इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद किसके साथ डील करता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन वंस अगेन वट इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विदी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन नाउ वट इज हेरिडिटी एंड वट इज वेरिएशन पहले तो जेनेटिक्स के बारे में ही करते हैं कि जेनेटिक्स ये तो पहला आ गया कि जेनेटिक्स क्या इट इज द Branch of biology which deals with the study of heredity and the variation. Now, genetics uh, is uh, the term derived from uh, Genesis, that is the Greek word. Greek word Genesis. Genesis. Genesis is the Greek word. इट इज डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेनेसिस जेनेसिस होता है ग्रो इन टू और टू बिकम जेनेसिस मीन्स टू ग्रो इन टू और टू बिकम टू बिकम वैसे भी जेनेसिस हमने पढ़ा है जेनेसिस फॉर्मेशन को कहते हैं टू बिकम तो जेनेटिक्स पहला मैंने बताया कि जेनेटिक्स क्या है जेनेटिक्स इज द It is the genetics is the study of it is a branch of biology dealing with the heredity and the variation. Now genetics term is derived from uh, a Greek genesis to grow or to become, and it was given by William Bateson. William Bateson coined this. William William Bateson William Bateson uh, coined this term. Uh, coined this term genetics.

मैंडल ग्रिगोर जोन मैंडल ग्रिगोर जोन मैंडल क्या है ई वॉज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स और टर्म जेनेटिक्स किसने दी विलियम बेटसन विलियम बेटसन विलियम बेटसन विलियम बेटसन एंड ग्रिगोर जोहन मैंडल सो नाउ कमिंग टू फिर से हम बात करते हैं कि ये हेरिडिटी के पहले चलो जेनेटिक्स की हम हैरिडिटी की बात करते हैं हम हेरिडिटी हेरिडिटी क्या है हेरिडिटी है ट्रांसफर हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ़ हैेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑप्सिंगस हेरिडिटी हमने किया जेनेटिक्स की दो ब्रांचेज हैं वन इज द हेरिडिटी वन इज हेरिडिटी अदर इज वेरिएशन वॉट इज हेरिडिटी दट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स from parents to from parents uh, from parents to offspring parents to offspring is known as heredity what is heredity transfer of character what is heredity that is transfer of character transfer of character can say from the parents to the offspring from the parents to offspring is known as heredity now मैकेनिज्म द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं इनहेरिटेंस द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांसमिशन ही कह देते हैं इज कॉल्ड इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस इसको बोलेंगे हम इनहेरिटेंस सो दिस इज पहला आपने बताया कि वॉट इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स दो चीजों का बना है कौ, कौन कौन सी दैट इज द हेरिडिटी एंड द वेरिएशन सो दिस इज नॉन एज इनहेरिटेंस सो आपने कहा कि uh, एक ओल्ड प्रोवर्ब है दैट लाइक बी गेट्स लाइक लाइक बी गेट्स लाइक लाइक बी गेट्स लाइक ये प्रोवर्ब है that is all living organisms tend to produce young ones like themselves all living organism all living organisms all living organisms tend to produce tend to produce offspring offspring or young ones uh, like themselves that is elephant will produce elephant uh, dog will produce dog uh, and uh, cat will produce cat that is uh, what we call them like bigots like -o. all living beings all living organisms tend to produce offspring like themselves that is uh, what we call it that is mango seed forms mango plant or uh, cat will form cat so this is what this is a uh,

दैट इज़ द डिफरें द डिफरेंसिज शोन बाई ये एक इंडिजुअल है ये ये एक इंडिजुअल है इसका जो बच्चा है आगे इसका जो बेबी है उस बेबी में भी एक्जैक्टली कार्बन कॉपी तो होगा नहीं इसमें डिफरेंसिस होंगे इन आपस इसमें भी डिफरेंसिस होंगे पेरेंट्स टू ऑप्सिंग में और इन बच्चों में भी डिफरेंसिज होंगे एक्सेप्ट द एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विन आइडेंटिकल ट्विन दैट इज डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजैनिंग डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजैनी इज नॉन एज वेरिएशन डिग्री ऑफ डिफरेंसेज इन द प्रोजैनि इन द प्रोजैनी या हम इसको जो मैंने और डिफरेंस द डिफरेंस शोन बाई इंडिविजुअल ऑफ अज और विद इन द पेरेंट्स ऑप्शिंग क्या बोलते हैं वेरिएशन के करेक्टर वेरी करते हैं ये बड़ी सिंपल टर्म है हम, हम बात करते हैं डिफरेंट दैट इज अ ब्रांचेज ऑफिक्स टू स्टडी ब्रांचेज कुछ डिटेल में कुछ ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स क्या क्या जेनेटिक्स की ब्रांचेज हैं वी हैव अ ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स में सबसे पहले आएगा हमारे पास transmission genetics transmission genetics then we have a molecular genetics molecular genetics then we have the population genetics पॉपुलेशन जेनेटिक्स तो ये तीन टाइप के ब्रांचेज हैं तो जनरली हम दो ब्रांचेज को मेन डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है वन इज वन इज द ट्रांसमिशन वाला जो पहले वाला है ट्रांसमिशन पहले वाला हमारा चैप्टर है दैट इज़ अ इट डील्स विद डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ अ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये जीन ट्रांसफर के बारे में और ये ट्रांसफर के बजाय हम अप्रूवेट ऑफ ट्रांसमिशन एंड दिस इज टू डील विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन ये नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम ऑफ अ जीन एंड दिस इज अबाउट द डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ एंड अदर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स टू पॉपुलेशन जेनेटिकल और जेनेटिक लॉज टू पॉपुलेशन जेनेटिक लॉ टू पॉपुलेशन सो ये हमारे पास तीन ब्रांचेज हैं दो हम डिटेल में ये चैप्टर करेंगे दट इज uh, पहला जीन ट्रांसमिशन का ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स सेकेंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ जीन एंड देन वी हैव द्स जेनेटिक्स लॉ टू पॉपुलेशन सो नो कम टू ये जनरल पार्ट था अब हम बात करते हैं कि अर्ली थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी क्या क्या थ्योरीज थी अर्ली थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी यहां ध्यान से देखें अर्ली थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कोई ज्यादा साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी नहीं थी तो पहली थी वेपर थ्योरी फर्स्ट वाई वेपर थ्योरी फर्स्ट वाई वेपर थ्योरी सेकेंड वाईज फ्लूड थ्योरी फर्स्ट वाज़ वेपर थ्योरी सेकंड वाज़ फ्लुइड थ्योरी थर्ड वाज प्री फॉर्मेशन थ्योरी प्री फॉर्मेशन थ्योरी देन वाज़ पार्टिकुलेट थ्योरी पार्टिकुलेट थ्योरी एंड देन पेंजीन थ्योरी रेयरली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेयरली आई एम सिंह पर आपको आप इसको भी रिटेन कर लें इनमें बड़ी इंटरेस्टिंग है आपको यू विल एंजॉय दिस वेपर थ्योरी कि ये एक पाइथागोरस थे पाइथागोरस ग्रीक फिलोसफर थे इन्होंने बहुत साल पहले का थ्योरी प्रपोज की दैट हरेक का एनिमल का हरेक ऑर्गन वो इमिट करता है सम काइंड ऑफ वेपर एंड दैट न्यू इंडिविजुअल वाज बाय कॉम्बिनेशन देखिए कोई तुक नहीं बनता था हालांकि देखिए बड़ा नाम था पाइथागोरस देखिए ध्यान से इन्होंने ये ह्यूमन बींग की बात बताई या लिविंग बींग में कि लिविंग बींग में कैसे ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं तो उन्होंने कहा कि कोई हर एक ऑर्गन का हरेक का ऑर्गन कोई एक वेपर रिलीज करता है वो वेपर आपस में कंबाइंड होकर नया इंडिविजुअल बन जाता है फिर एक ग्रीक एक देखिए देख 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 एक ग्रीक फिलासफर आए एरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट कम फिलासफर ज़्यादा होते थे एरिस्टोटल जिनको वैसे हमने देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं एरिस्टोटल एरिस्टोटल ने कहा इसने बहुत ही अजीब थ्योरी दी व्हाट ही सेड है इसने कहा कि जो आदमी का सीमेन है वो बहुत प्योरीफाइड ब्लड है सीमेन बहुत प्योर है प्योरीफाइड ब्लड है एंड वुमेन्स मेंस्ट्रुअल फ्लूड वाज फीमेल सीमेन विच वो इतना प्योर नहीं है जितना मेल का है ये दोनों फ्लूड कंबाइंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसने कहा देखिए क्या कहा कि वो मेल का सीमेन है प्योर प्योर है प्योर ब्लड में जो है उसको प्योर बोला और फीमेल का कहा ये कहास्ट्रोल वाला इम्प्योर है तो ये दोनों द फीमेल सीमेंट प्रोवाइडेड इनर्ट सब्सटेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड द मेल सीमेंट गिव फॉर्म एंड वाइटलिटी ऑफ एम्ब्रियो तो ये भी कोई फ्लूड था कि ये भी कोई ध्यान से सुन लीजिए दोनों पहले मैं कहा कि वेपर थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है अदरवाइज जेनेटिक्स है। वेपर थ्योरी हर और एक ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन से वेपर निकलते हैं जब बाइक जो, जो कंबाइन करते हैं और बेबी प्रोड्यूस कर देते हैं फ्लूड कि दो मेल और फीमेल के फ्लूड आपस में ड्यूरिंग ये ड्यूरिंग पॉपुलेशन दैट इज ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो इकट्ठे हो जाते हैं और फीमेल का इम्प्योर है मेल का प्योर है देन प्री फॉर्मेशन थ्योरी प्री फॉर्मेशन थ्योरी बाई गिवन वाई लिवन हॉक देखो ये भी बहुत विद्वान था अदरवाइज लिवन हॉक ने तो एक बड़ी कमाल की थ्योरी दे दी लिवन हॉक साहब ने कहा कि वट इज सैड कि देखिए ये इसने पहली बार स्पॉम देखा था और स्पॉम के पीछे बढ़ गया इसने ही वॉज द फर्स्ट टू सी द स्पम ही साथ इसने सीमेंट में ऐसे वीगल करते हुए देखा और उसने उनको कहा एनिमल क्यूल एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल लिवन हॉक ने ही कॉल दम एनिमल क्यूल तो उसने कहा कि ईच स्पम उसने कहा कि ये बाकी कुछ नहीं है ये जो स्पॉम है ये स्पॉम में ही प्री फॉर्मेशन स्पॉम में ही प्री फॉर्मेशन दैट इज अर्ली प्री फॉर्मेशन के स्पॉम में ही पहले ही सब कुछ स्पॉम में ही है स्पॉम में ही है सब कुछ वो सिर्फ स्पॉम में ही आइज हैं स्पॉम में ही नोज हैं स्पॉम में लेग्स हैं स्पॉम में ही सब कुछ है स्पॉप में ही कान है ये सारे का सारा ह्यूमन फीमेल की बॉडी में जाता है वहाँ ग्रो ही करता है तो इसने भी एक ही पेरेंट्स को मेल को के वो ही तवज्जो दी कि वही एक है, है। देखिए ध्यान से देखते जाइए कितना इंटरेस्टिंग है पहला पाइथागोरस ने कहा वेपर रिलीज होते हैं फ्लूड थ्योरी दूसरे कौन, कौन सा था दूसरा था अरिस्टोटल इसने कहा फ्लूड निकलता है मेल और फीमेल का फिर प्री फॉर्मेशन थ्योरी कि पहले ही सब कुछ होता है बाद में कुछ नहीं होता फिर आ गया पार्टिकुलेट थ्योरी ये माउपर्शियस था एक माउपर्शियस मोरिशियस से परशियस करना पी हटा देना मोरिशियस से ये आ गया मऊ परशियस मैं मोरिशियस याद किया था इसको मोरिशियस दैट इज माऊ परशियस परशियस ने कहा कि ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था इसने कहा कि हर एक एनिमल प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल फॉर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के लिए माइन्यूट पार्टिकल रिलीज करते हैं एंड आ न्यू इंडिविजुअल इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू पेरेंट्स दो के ये भी ये भी कोई ज्यादा पार्टिकुलर फिर आगे पेंजीन थ्योरी पेंजीन थ्योरी इट वॉज गिवन बाय थ्यूरी ऑफ एंजी इट वॉज गिवन बाई डारबिन ये डारबिन नहीं पेंजीन थ्योरी इट वॉज गिवन बाय डारबिन ये पेंजीन थ्योरी वॉज गिवन बाय डारविन तो डार्विन तो पता है आपको इट इज़ द चार्ली डार्विन बहुत ही मशहूर आदमी था तो कहा कि टानी छोटे छोटे पार्टिकल हैं पेंजीन्स हैं पेंजीन्स आर फॉर्मड इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी कि हमारी वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में पेंजीन बनते हैं वो ज्वाइन करते हैं और इंडिविजुअल बना देते हैं तो यहाँ देखे कि ये कोई भी इन थ्योरीज का कोई सिर पैर नहीं था कोई सिर पैर नहीं था एंड दिस वॉज दिज वॉज इनको क्या बोलते हैं हम वी कॉल देम अर्ली क्या है ये वर अर्ली थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी प्रायर टू मेंडल सो दिस इज ओवर नाउ वी आर मूविंग अब हम आगे चलते हैं अब हम आगे चलते हैं वी आर मूविंग टू अब हम आते हैं मेन पार्ट पे मेन पार्ट पे आते हैं हम मेंडल्स मेंडल के बारे में ये 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 सज्जन थे जिन्होंने मेन काम किया मेंडल मैंडल मेंडल ग्रिगोर जॉन मेंडल ये ऑस्ट्रियन थे 1822 और ये इसमें बस इसी इसी सी इस, इस वाले टॉपिक में कुछ डेट्स आपने याद करनी है 1822 से लेकर 84 में ये आई थिंक एक्सपायर हुआ तो 84 तक इसकी ए, ये कंट्रीब्यूशन है तो ये एक बहुत ही गरीब फैमिली में है, Uh, पैदा हुआ बहुत इसने स्कूल की एजुकेशन ली अपनी एफर्ट से इसने स्कूल की एजुकेशन से ड्यू टू तो गरीबी की वजह से क्या हुआ ही बिकेम मॉक रिलीजियस मैन बन गया ही वाज लेटर मेड अबाउ ये उस एक मोनिस्ट्री में चला गया और मोनस्ट्री चकोसलाबिया में चला गया है एंड वहाँ इसने क्या किया उसने फिजिक्स पढ़ानी शुरू कर दी ही स्टार्टेड टीचिंग फिजिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री वहाँ स्कूल में तो अठारह से लेकर पैंसठ तक ये देखिए ये मैंने बताया कि ईयर बहुत जरूरी है इसमें इसने क्या किया इससे पहले भी कुछ लोगों ने इनहेरिटेंस पे काम किया था बट ही वाज लक्की ही लक्की टू फॉर्म क्लियर कट लॉ ऑफ हेरिडिटी इसने क्या किया इसने 1866 में ये इतने दिन इसने काम किया इसने काम किया हाइब्रिडाइजेशन पे ही परफॉर्मड एक्सपेरिमेंट्स ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स इसने एक्सपेरिमेंट देखिए ध्यान से इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और 1866 में उसने उनको पब्लिश कर दिया ही पब्लिश्ड ही पब्लिश हिज वर्क ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये ये भी कई बार पूछा था इन एनुअल एनुअल प्रोसीडिंग्स एनुअल प्रोसीडिंग्स पूरा नाम आप याद करना है आपने प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून तो देखिए ये ये ध्यान से देखें आप ध्यान से कि क्या हुआ किसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसने किस पे एक्सपेरिमेंट किए ही वर्कड ऑन पाइसम सेटिव पाइसम सेटिवम पाइसम सेटिवम ये पाइसम सेटिव क्या है पाइसम सेटिव दैट इज पाइसम सेटिवम है पी पी दैट इज पी मटर पे काम किया इसने पाइसम सेटिवम अब क्या हुआ कि इसने ये अठारह में अपना काम पब्लिश किया और ये 1800 ये 84 में मर गया विदाउट नोइंग विदाउट नोइंग इसको कुछ बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा देखिए क्या हुआ जो इसका काम था वाई हिज किसी ने इसकी तरफ गौर नहीं किया कि नहीं ये बेवकूफ आदमी है कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है तो क्यों नहीं क्यों नहीं किया वाई इज वर्क वाज वाई वर्क वाइज इग्नोर्ड वाई मेंडल उसके जीते जी उसको खिताब क्यों नहीं मिला

देन सेकंड था दैट द उसने क्या किया ही पब्लिश्ड हिज वर्क ये गलती हो गई उसे क्योंकि तो गरीब था ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन अबस्क्योर जर्नल जो कोई जो हम मटेरियल पब्लिश करते हैं ये जर्नल में होता है कोई अमेरिकन जर्नल है कोई वर्ल्ड वाइड जर्नल है कोई एशिया का जर्नल है कोई साउथ अफ्रीका का जर्नल है कोई इंडियन इंडिया India का जर्नल है और कोई और सपोज वो वो पंजाब में रहता था तो उसने अमृतसर के जर्नल में पब्लिश कर दिया तो अमृतसर के जर्नल को इतनी तवज्जो किसने देनी ये सेकेंड पार्ट उसकी गलती हो गई थर्ड जो था ही वॉज ही वॉज हिमसेल्फ नॉट श्योर अबाउट हिज फाइंडिंग ही हिमसेल्फ वॉज हिमसेल्फ वॉज नॉट श्योर अबाउट हिज फाइंडिंग्स उस रिजल्ट के बारे में अबाउट हिज फाइंडिंग्स उनके बारे में वो श्योर नहीं था यू आर नॉट श्योर अबाउट हिज फाइंडिंग्स देन उन दिनों में एक और था कि उन दिनों में द माइंड ऑफ अ बायोलॉजिस्ट वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद डारविन तो लोग डार्विन के पीछे थे उन दिनों में इन्फ्लुएंस्ड पीपल मींस बायोलॉजिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड टूवर्ड्स इन्होंने बोला डार्विन है साइंटिस्ट है ये कुछ नहीं है ये कुछ नहीं कर रहा है ये ये कोई काम की चीज नहीं है तो ये था कि उसका काम क्यों इग्नोर किया गया तो कई बार जैसे बोर्ड वाले बच्चों को बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिशन वालों को भी अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिशन में भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि वर्क वर्क वाइज टाइम ही ही इन जर्नल इंफ्लुएंस टुअर्ड्स डारविन डार्विनिज्मिज्म की तरफ थे तो डार्विनिज्म की तरफ थे या डार्विन की तरफ थे तो इसलिए इसका काम को इग्नोर किया गया उसके काम को इग्नोर किया गया आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अब क्या हुआ देखिए ये ये ये, ये 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 आपने याद रखना है अब क्या हुआ कि ही ही डाइड विदाउट नोइंग मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर चुका लेकिन क्या हुआ देखिए कितने ये ईमानदार लोग होते हैं बाहर वाले साइंटिस्ट इन नाइनटीन हंड्रेड ड्रेड उसके मरने के बाद हिज uh, उसके जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली इज वर्क और फाइंडिंग्स हिज वर्क और फाइंडिंग्स वर रीडिस्कवर्ड रीडिस्कवर्ड डिस्कवर्ड द्वारा डिस्कवर्ड की इंडिपेंडेंटली 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 किस किस ने की तीन बायोलॉजिस्ट थे डी वेरीज ये हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आते हैं डी वेरिस डी वेरिस वन इज डी वेरिस देन इज कॉरेंस एंड शर्माक एंड शर्माक टी साइलेंट है टी एस टीएस, टीएस, शर्माक ये इन्होंने तीनों ने इंडिपेंडेंटली इसको रीडिस्कवर्ड किया और उन्नीस सौ एक में इसको पब्लिश कर दिया बड़े लेवल पे इन 1901, इन 1901 हंड्रेड वन मेंडे वर्क वाइज गॉट रीपब्लिश बाय डी वेरिस डी वेरिस ने वेरिस रिपब्लिश इसने ये नहीं कि मैंने काम किया इसने बोला नहीं काम किसने किया था रिपब्लिशेड एंड दैट गेव द नाम नेम किसको Mendels, तो ये अ फ्यू ईयर्स लेटर बेट्सन एंड अदर बेट्सन एंड अदर कन्फर्म्ड मेंडल्स हुआ कहा उसके बाद बेट्सन एंड अदर्स बेट्सन एंड अदर्स आल्सो कन्फर्म्ड टल्स वर्क एंड यू आर टाइटल एज फादर ऑफ जेनेटिक्स यू आर टाइटल एज फादर ऑफ जेनेटिक्स देखिए एक तो ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये जो ईयर हैं ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं कि कुछ नहीं है ये हो जाएगा आ जाएगा बट दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट इज़ अ बेट्सन एंड अदर्स बेट्सन एंड अदर्स ने क्या किया ने इनको ये डी वेरिश ने 1901 में क्या किया रिपब्लिश किया तो ये थी बेटे स्टोरी अबाउट द मेंडल के बारे में अब हम मेंडल क्या करेंगे मेंडल ने क्या किया था आज हम वो पार्ट लर्न कराऊंगा मैं आपको मेंडल ने क्या किया मेंडल ने कंट्रास्टिंग करेक्टर्स दिए गार्डन पी के गार्डन पी पाइसम सेटिबम गार्डन पी है पाइसम सेटिबम इसके सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए कंट्रास्टिंग ट्रेड्स

ये थे पहला सीरियल नंबर में हम बात करें तो दिस इज सीरियल नंबर में सबसे पहले सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेड थे दिस इज सीरियल नंबर देन वी हैव करेक्टर्स करेक्टर्स के बाद अच्छा कंट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है कंट्रास्टिंग का मतलब होता है कि कंट्रास्ट पे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट एक बहुत लंबा है तो एक दूसरा छोटा है तो हम इसको करेंगे नंबर वन सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेड पहले करेंगे सीरियल नंबर फर्स्ट इज सीरियल नंबर सीरियल नंबर फिर लिखेंगे करेक्टर्स क्या करेक्टर्स हैं करेक्टर्स करेक्टर्स के बाद लिखेंगे हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव डोमिनेंट एंड रिसेसिव डोमिनेंट एंड रिसेसिव तो देखिए इसको हम करेंगे अब कि क्या क्या थे ये तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे देखिए ध्यान से देखें यह हम लिखेंगे एचपी एचपी हिमाचल प्रदेश एच पी एच पी लिख लेंगे पहले एच पी तो एच पी का लिखेंगे हम पहला हाइट ऑफ द प्लांट प्लांट पहला लिखा एच पी हाइट ऑफ द प्लांट दट इज हाइट कैसी है या तो बहुत टॉल होगा वेरी टॉल या बहुत छोटा होगा या डॉर्फ होगा, होगा. देखिए यह क्यों लकी रहा इसने कहा कि इसको टॉल को इसने डेजिग्नेट किया कैपिटल टी से और डॉर्फ को डी से नहीं किया इसको स्मॉल टी से किया कि इसका ये रिसेसिव है कैपिटल टी स्मॉल टी देन सेकंड पी पी पोजिशन ऑफ फ्लार पोजिशन ऑफ फ्लार ऑफ़ फ्लार फ्लार के floor की पोजिशन क्या है पहले तीन पोजिशन ऑफ फ्लार तो पोजिशन ऑफ फ्लार उसने कहा कि दो कंडीशन हो सकती हैं या तो फ्लार देखो दो कंडीशन हो सकती हैं फ्लार की या तो फ्लार टर्मिनल एंड पे हो या तो फ्लार एक्सिस में हो या तो टर्मिनल हो या एक्सिस तो हो या तो ये एक डोमिनेंट है तो टी आ नहीं सकता टी इसने ये लिखा था आपने ऐसे याद करना तो ये एक आ गया auxiliary, ये auxiliary है, तो इसको उसने ए से किया और ये टर्मिनल है और दूसरा आ गया टर्मिनल सेकंड इज टर्मिनल टर्मिनल को उसने स्मॉल ए से किया इसको स्मॉल ए से किया ध्यान से देखते जाएं क्या लिखा पहला मैंने कैसे याद कराया आपको सबसे पहले हमने कहा व्हाट वी सेड हमने कहा एच पी एच पी एच पी सी एफ एच पी सी एफ थोड़ा आगे पीछे हो गया एच पी ऐसे ही चलने देते हैं एच पी सी एफ एच पी एच पी हा पहले आ गया एच पी एच पी फिर आ गया सी एफ ये दोनों एक जैसे सी एफ सी एफ क्लास फेलो ये सी एफ ये सी एफ दोनों एक जैसे आ गया अब एच पी एच पी आ गया दोनों पता चल गए आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गए, अब हम ऊपर चलेंगे एच पी के बाद तीसरा आ गया सी एंड एफ, 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 सी सी एंड एंड क्या चीज आ गई है? पॉड अनराइप पॉड में आया है पहलाइट में आ गया पोजिशन सी इज फॉर सी सी यहाँ का कलर कलर ऑफ देखो कलर ऑफ अनराइप ये इकट्ठे क्यों लिख रहा हूं मैं कि आपको ये लगे कि ये हमने किया है अनराइप पॉड बहुत इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स देन फॉर्म ऑफ अनराइप पॉड फॉर्म ऑफ अनराइप पॉड कलर ऑफ अनराइप पॉड एंड फॉर्म ऑफ अनराइप पॉड तो कलर कैसा था इनका अनराइप पॉड का ग्रीन ग्रीन को कैपिटल जी से और जब वो अनराइप पक गया पूरी तरह तो कैसा हो गया येलो तो स्मॉल जी तो दैट इज फिर आ गया फॉर्म फॉर्म कैसी थी ये फॉर्म थी इनफ्लेटेड फुली हुई थी इनफ्लेटेड कैपिटल आई या कंस्ट्रक्टेड पिच की हुई इनफ्लेटेड या फिर कंस्ट्रक्टेड ऐसे तो कंस्ट्रक्टेड को करेंगे स्मॉल आई से तो देखिए अभी हमने चार किए ध्यान से देखें पहला हमने क्या किया पहला किया हाइट एच पी एच पी फिर गया सी एफ सी फॉर कलर एच फॉर फिर हमने क्या किया एच पी सी एफ सी सी एफ फिर हमने करना न सी सी एफ सी अकेला सी अकेला पांचवा सी अकेला क्या आ गया कलर ऑफ फ्लावर कि फ्लावर का कलर कैसा है कलर ऑफ फ्लार कलर ऑफ फ्लावर कलर ऑफ फ्लावर कलर ऑफ फ्लावर तो कलर ऑफ फ्लावर क्या गया या तो कलर्ड होगा या वाइट होगा या वाइट होगा स्मॉल सी कलर्ड या वाइट अब ये दो जो लास्ट वाले आए सी एफ सी सी अकेला था अब फिर सी पी सी एफ इकट्ठे आ गए कैसे जैसे वो ऊपर थे ऐसे ये भी एक जैसे हैं ये ऊपर थे देखो इनसे हमने इनको अलग अलग नहीं लिखा बाकियों को अलग अलग किया है देखिए इस टाइप से देखना आपने ये इकट्ठे थे सी अब लास्ट वाले सी सी क्या है दे आर कॉटीलेडन दे आर कलर ऑफ कॉटिलेडन एंड फॉर्म ऑफ सीड फॉर्म ऑफ सीड तो कलर ऑफ कॉटिलेडन ऊपर वाले से ऑपोजिट हो जाएगा दैट इज ऊपर वाला ये क्या आ जाएगा येलो कैपिटल वाई और ये ग्रीन स्मॉल वाई वेर इज फॉर्म फॉर्म यह सारे जूनियर क्लासे में राउंड एंड रिंकल्ड राउंड एंड रिंकल्ड दट इज स्मॉल आर दट इज स्म आर तो देखिए इन दिस वे आपने ये बहुत अच्छी तरह आपको मैंने यहां तक करवाया इसको आप नोट करें